दरभंगा सोशल वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के सबक काउंसलर जनाब इकराक अहमद साहब ने इस साल भी ज़रूरतमंदों के दरमियान कपड़ों की तकसीम का अहतमाम किया, जिसमें इलाके के एम पी सुदीप बंदोपाध्याय, एम पी नदीमुल हक साहब, ब्यूरो के चेयरपर्सन सना अहमद वगैरह मौजूद थे। इस मौका पर अदारा के सदर जनाब बद्र आलम साहब, नायब सदर जनाब इखलाक अहमद साहब, मोहम्मद यूब, जमील अख्तर, मोहम्मद मोहसिन, मोहम्मद बशीर, हाजी जावेद खान, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद यूनुस, असिस्टेंट सेक्रेटरी बुलंद अख्तर, मोहम्मद कैस टेजर, मोहम्मद दाऊद, असिस्टेंट अब्दुल्ला खान, मोहम्मद अफरोज, मोहम्मद शमशेर अहमद, शरीफ अहमद, क्यू आलम, अब्दुल बारी, मोहम्मद मुबीन, मोहम्मद शोएब, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद अफ्ताब, अब्दुल खालिद, अब्दुल बारी, मोहम्मद नुसरत, पीर मोहम्मद, मोहम्मद शमशाद, शहजाद खान, मोहम्मद मिराज, मोहम्मद सरफराज, दानिश इराक वगैरह इस मौके पर मौजूद थे। वाजा रहे कि जनाब इखलाक अहमद साहब ने के पैर में ऑपरेशन हुआ है, उन्हें चलने में दुश्वारी हो रही है और डॉक्टरों ने भी उन्हें एहतियात बरतने को कहा, चूँकि वो हर साल ज़रूरतमंदों के दरमियान इस तरह का प्रोग्राम का एहतमाम करते हैं, इसलिए उन्होंने खुद को नहीं रोक सके और वो उन्होंने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया और ये प्रोग्राम नहायत ही शानदार रहा है। तो इस मौके पर हमारी बातचीत वहाँ मौजूद मेहमान से हुई, आइए सुनते हैं इस बारे में क्या। असल में दरभंगा वेलफेयर सोसाइटी का काफ़ी अर्से से मीटिंग नहीं हुआ था और नहीं इसके बाद से कोई प्रोग्राम नहीं हुआ, लेकिन फिर हमने देखा कि बहुत दिन हो गया इसको दरभंगा वेलफेयर इस प्रोग्राम से प्रोग्राम किए हुए। इसके पहले 4-5 प्रोग्राम हमने नॉर्थ कलकत्ता एकता वेलफेयर ट्रस्ट के थ्रू किया था, तो दरभंगा के थ्रू ये प्रोग्राम किया गया है। आइंदा भी इस प्रोग्राम को और अच्छे तरीके से किया जाएगा और मुझे सबसे बड़ी खुशी ये है कि इस प्रोग्राम में तमाम हमारे वो गेस्ट जिनको हमने मदऊ किया था वो तमाम लोग हाजिर हुए और सब लोगों को बड़ा अच्छा लगा और जो हम लोगों ने सोचा था अल्लाह के फल से उस तरह हम लोगों ने अपने ज़रूरतमंदों में कपड़ा लगता दे दिया। हमारे इस प्रोग्राम में सबसे ज़्यादा अगर दरभंगा वेलफेयर सोसाइटी का किसी ने मेहनत किया है तो वो मोहम्मद बद्र आलम जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, इन्होंने ही मेहनत किया, बाकी और किसी साथी ने न टाइम दिया ना आए। बहरहाल हमारी मीटिंग होगी तो उसमें हम लोग उसमें इस बात का चर्चा करेंगे, लेकिन जो चाहते थे हम लोग 2 साल के बाद प्रोग्राम करना, अल्हम्दुलिल्लाह बद्र आलम और हम लोग दो हमारे कोशिश से अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा और इनमें बहुत सारे लोगों ने साथ दिया। मैं उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, हसीब भाई का आए, हमारे क्या कहते हैं कि मास्टर यूनुस साहब जनरल सेक्रेटरी आए और हमारे गोपाल कुमार नेरेडी भी आए और सना अहमद भी आई, हमारे महेश शर्मा भाई आए, विक्रांत सिंह आए, मैंने तमाम गेस्ट अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से हुआ और जो हरनबाड़ी लाइन का पहचान है दरभंगा वेलफेयर का उस तरह हम लोगों ने इस प्रोग्राम को आज किया, जो बड़ी दिल से खुशी हो रही है। जन बद्र आलम साहब जो हैं वो सिर्फ अभी मौजूद थे, उन्होंने मेहनत किया और बाकी लोगों को मैंने नहीं देखा कि कहाँ हैं वो लोग। बहरहाल तमाम गेस्ट आए, आप लोग आए और अच्छे से बट गया, गेस्ट को कपड़ा पसंद पड़ गया सब लोगों को, सुधीरता ने बहुत पसंद किया। हमारे महेश शर्मा भाई ये भी चले आए, उनका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। जितने भी साथी हमारे आए सब इस गर्मी में 42 के टेम्परेचर में, ये हमारे गोपाल कुमार रेड्डी भाई, सुदीप दा, महेश शर्मा जी और हमारे फैसल भाई, तन्नू भाई, अब्दुल्ला भाई, बद्र आलम भाई, तमाम लोग आए और हसीबुर्रहमान भाई आए, बड़ी खुशी हुई, हमें बहुत खुशी हुई। ये लोग हमेशा आते हैं और हमेशा दरभंगा वेलफेयर या हरनबाड़ी लाइन के किसी भी प्रोग्राम में ये लोग पर्सनल टाउन हेल्प करते हैं। बरियास्ता मैं गोपाल भाई से तो ये कहेंगे कि भगवान इनको और भी लंबी उम्र दे, ये पूछते रहते हैं कि प्रोग्राम कब होगा, प्रोग्राम और कुछ लो, इखलाक कुछ और प्रोग्राम करो, ये बड़कपन है उनका और ये जज्बा है उनका इस इलाके के तहत ये करते रहते हैं। ऊपर वाले से हमारी प्रार्थना यही है कि मालिक गोपाल कुमार रेड्डी भाई को उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और उनको और दिन दुगुनी रात चौगुनी तक तरक्की करें ताकि पूरे समाज का एक फ़ायदा हो। मतलब ये है कि अगर आप समझते हैं कि सियासी है, अगर लोग ऐसा समझते हैं सियासी, तो हर आदमी का अपना सोचने का ढंग है। अगर जो सियासी समझता है वो सियासी समझे और जो समाजी समझता है वो समाजी समझे, मेरा उसमें कोई दखल नहीं है। जो जिसको जो मैं कुछ पसंद पड़ूँ समझे, कुछ समझ तो रहा है यार, ये बड़ी बात है। पैगाम बस ये है कि हमारे मगरब बंगाल जिस तरह हमारी शांति और भाईचारे का प्रोग्राम है, हम लोग जिस तरह हर फेस्टिवल त्यौहार धर्म सबका अपना अपना, लेकिन उस सब मनाएंगे हम सभी, ये हमारा हमारी ममता बनर्जी के
चीफ मिनिस्टर का ये है कि धर्म जिसका भी हो हम तमाम लोग इसको मनाएंगे, और हम लोग जिस खुशी से इसमें तमाम जिम्मेदारी आप लोगों की भी आती है, नागरिक की भी आती है, आँख को आँख और कान खोल के रहें ताकि जो फिरकापरस्त पार्टियां हैं जो घुस करके मगरिब बंगाल की फजा को ख़राब करना चाहती है वो ख़राब ना हो, ये हमारी भी जिम्मेदारी है। और हुकूमत का जो काम है वो अपना काम करेगा, हमारा काम है कि हम खुद आँख और कान खोल करके अपने इलाके में नजर आए। 800 से 1000 ये नेकियों और कमाने का महीना है, और दरभंगा वेलफेयर सोसाइटी जो काम कर रही है ये नेकियां बटोर रही है, बढ़िया काम है, गरीबों में कपड़े तकसीम हो रहे हैं, गरीब खुश है, यानी कि अल्लाह भी खुश है। सिर्फ मुझे नहीं, आपके वार्ड के सारे लोगों को पता है कि 1 लाख अंकल का 1 लाख कितना अच्छा है। वो हमेशा बहुत सारे सोशल प्रोग्राम से जुड़े रहते हैं, ब्लैंकेट जब ठंड आती है ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, राशन बांटते हैं, अभी ईद आने वाली है तो गरीबों में कपड़े तकसीम कर रहे हैं। तो 1 लाख अंकल का 1 लाख के बारे में सभी जानते हैं, ये एक सोशल प्रोग्राम है, और हमारे पार्टी के भी कई लीडर्स यहाँ पर उनको हौसला अफजाई के लिए यहाँ मौजूद हुए थे, और अंकल तो बिल्कुल मेरे फैमिली के जैसे हैं, मेरे घर के मेम्बर जैसे हैं, तो उनके साथ मैं हमेशा रहती हूँ, और हमारे काफ़ी सीनियर हैं, मेरे पापा के साथ बड़े पापा के साथ जुड़े रहे हैं, और मेरा भी जितना सपोर्ट है मैं अंकल को पूरा ये करती हूँ। लाख साहब कई तंजीमों से जुड़े हुए हैं और जब जरूरत होता है तो के साथ खड़े रहते हैं, क्या कहेंगे? देखिए लोग अच्छा काम तो करते हैं लेकिन दिल से जो करे वो उनमें से एक है 1 लाख अंकल। बहुत कुछ वो सामने से करते हैं, बहुत कुछ अच्छा काम वो पीछे से करते हैं जो नहीं भी दिखता है, तो वो बहुत बड़ा फैक्टर है जो आप लोगों की काम मदद करें। और पर यहाँ पर आप देखिए पूरे मोहल्ले में लग रहा है हज़ारों की तादाद पर कपड़े आज बट रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है, हमारे कौम को ऐसे नेक दिल लोगों की बहुत ज़रूरत है। देखिए 1 लाख अंकल पोस्ट में नहीं, ऐसी बात नहीं है, अंकल एक्स काउंसलर रह चुके हैं इस इलाके के और सारे लोगों के दिलों में बसते हैं, लोग भी उन्हें बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। पार्टी करो या ना करो बहुत ज़रूरी है कि अच्छा काम करना चाहिए, और पार्टी से किसने कहा 1 लाख अंकल नहीं जुड़े, 1 लाख अंकल बहुत पुराने हमारे TMC के कैडर है, बहुत पुराने हमारे सपोर्टर हैं, और हमेशा पार्टी के हर काम में वो आगे आगे रहते हैं। इसके लिए मैं सारे व्यूअर्स को कहूँगी कि आप सबको ईद मुबारक हो, हमारी जितनी मेहनत रही है इस गर्मी 40 डिग्री है 42 डिग्री में जो सब रोज़ेदार हैं हम लोगों ने रोज़ा रखा, अल्लाह हमें उसका अजर दे, और सारे रोज़ेदारों को मैं ईद मुबारक कहूँगी सब। आज तो हम लोगों का यह हमेशा का प्रोग्राम होता है, लेकिन इधर 2 साल से नहीं हुआ था, अब की बार हुआ है। ये हमेशा रमज़ान के मौके पे हम लोग लुंगी साड़ी कुर्ता ये सब बांटते हैं, जनाब वज़ीर आज़म साहब जनाब अख़लाक़ अहमद साहब इन लोगों के ताउन से काम होता रहता है। आज बहुत लोगों को बांटा गया है, सारे लोगों को दिया गया है, आइंदा भी इंशाल्लाह दिया जाएगा, रमज़ान में दिया जाएगा, ठंडक में हम लोग कंबल बांटते हैं। हाँ, आज हमारे MP सुदीप बंदोपाध्याय जी आए थे, नदीमुल हक साहब आए थे, और सबसे बड़े तो हमारे मास्टर यूनुस साहब आए थे। पैगाम बस यही है कि हम लोग ईद का मौका आ रहा है, रमज़ान ख़त्म होने जा रहा है, हम लोग मिलजुल करके ईद मनाएं।